नमस्कार, वीटी बिजनेस आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। यह वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप डिटर्जेंट पाउडर का बिजनेस, समझ में आ गया, आप डिटर्जेंट पाउडर का बिजनेस मात्र 5 से 10 हज़ार रुपये में स्टार्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया। अगर आप चाहें तो 1 हज़ार का रॉ मटेरियल लाकर डिटर्जेंट पाउडर बनाकर उससे भी कुछ पैसा कमा सकते हैं। समझ लीजिए, यह एकदम वीडियो सही है। इस तरीके से भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया। अगर 5-10 हज़ार लगा देते हैं तो थोड़ा आपका बड़ा बिजनेस हो जाएगा, और चाहे तो आप 1 हज़ार का रॉ मटेरियल लाकर तब भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। और मैं काफ़ी समय से, कई सालों से बिजनेस कर रहा हूँ डिटर्जेंट पाउडर का, तो मेरा यह अनुभव है। इसमें आपको सबसे पहला काम यह करना है कि क्वालिटी आपको बढ़िया बनाना है। समझ में आ गया। अगर आपने क्वालिटी बढ़िया बनाया तो समझ लीजिए कि आपको कोई इसमें फेल नहीं कर पाएगा, यह गारंटी है। बस क्वालिटी आपको बढ़िया बनाना है, आपका पूरा ध्यान क्वालिटी पर चाहिए, जिससे अगर एक बार कस्टमर ले जाए खरीद कर तो दोबारा आपके पास आना चाहिए खरीदने, इतना बढ़िया क्वालिटी होना चाहिए। समझ में आ गया। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, रॉ मटेरियल लाना है। आप चाहे 5 हज़ार 10 हज़ार का लाएँ, चाहे 1 हज़ार का लाएँ, आपके ऊपर है आप कितना माल बनाना चाहते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद इसमें आपको न पैकेट बनवाना है, न मशीन लाना है, कुछ भी नहीं लाना है, बस आपको रॉ मटेरियल लाना है। रॉ मटेरियल में क्या क्या हो गया, एसिड सिलरी, सोडा एस, साल्ट, डोलोमाइट, टीनोपोल, परफ्यूम, यह तो बेस हो गया। उसके बाद अगर आपको और मिल पाए, जैसे हो सकता है कि कहीं कहीं पर पूरा रॉ मटेरियल जल्दी नहीं मिलता है, आप छोटे शहर से हैं, आपके क्षेत्र में केमिकल मार्केट नहीं है, एक आध है तो वो भी पूरा सामान नहीं रखा है, तो यह तो उसका बेस हो गया। समझ में आ गया। अब इसके बाद मान लीजिए आपको TSP मिल जाए, उसके बाद CMC मिल जाए, समझ में आ गया। कलर तो आपको लाना ही है, कलर तो आम बात है, कलर तो मिल ही जाएगा। उसके बाद STTP मिल जाएगा। अगर ये कुछ नहीं मिले तब भी आपको, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, एसी डिसलरी यह होता है, यह तो यह मेन है। उसके बाद एसी डिसलरी हो गया, सोडा एस हो गया, साल्ट हो गया, डोलोमाइट हो गया, कलर हो गया, परफ्यूम हो गया, यह आपका बेस हो गया। उसके बाद अगर आपको SLS पाउडर मिल सके तो बढ़िया है, नहीं भी है तब भी अगर एसी डिसलरी बढ़िया क्वालिटी का है काम चल जाएगा। अगर SLS पाउडर नहीं है तो आप SLS लिक्विड ले सकते हैं। समझ में आ गया, यह हो गया। उसके बाद आप लाइए और बनाइए। बनाने के बाद में आप कहाँ पर हैं, आप यह भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर हैं, शहर में है, गांव में है, जहाँ पर भी हैं। तो आप देखते होंगे सब्जी का मार्केट लगता है, जहाँ सब्जी उब्जी बिकता है। समझ में आ गया। तो आप वहाँ पर जाइए, बात ध्यान से सुनिएगा, वहाँ पर आप जाइए, वहाँ पर अपना एक छोटा सा दुकान लगाइए। दुकान का मतलब क्या है, जैसे सब्जी उब्जी बिकता है, अपना चट्टा उट्टा पॉलिथीन उल्थीन बिछा कर सब बेचते हैं, तो आप भी उसी तरीके से बिछा कर, और आपको एक वेट मशीन लेना होगा जो 5 kg तक आराम से तो वेट कर सके, क्योंकि 5 kg सही रहेगा। अब उससे छोटा आप लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, 5 kg रहेगा तो आप उसे प्रोडक्ट भी बना लेंगे, अगर 10 kg का तो और बढ़िया है, आप उसे मान लीजिए प्रोडक्ट बना रहे हैं। और बहुत बड़ा मशीन लेकर आप क्या करेंगे, बहुत बड़ा ले लेंगे तो फिर आपको 30 से 40 kg वाला आता है वेट मशीन, जिस पर आप एक बार में 30-40 kg वेट कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, मैं तो आपको एकदम कम से कम पैसा बता रहा हूँ। अब यह जो 5 kg वाला 10 kg आया, यह तो आपको बहुत सस्ता मिल जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद और आप जैसे सब्जी के लिए पन्नी बिकता है ना, व्हाइट कलर का होता है, जैसे हुआ होता है ब्लैक कलर का, ट्रांसपेरेंट कलर का, यह सब होता है,
तो आप ले लीजिए। और उसके बाद कोई भी कस्टमर आए, 200 ग्राम उसे चाहिए, 500 ग्राम चाहिए, 1 केजी चाहिए, आप उसे वेट करके दीजिए उसी पैकेट में, समझ में आ गया। और इसमें थोड़ा खुशबू उशबू परफ्यूम वर्फ्यूम बढ़िया आप ऐड किए होंगे तब सही रहेगा। आप एक मान लीजिए पहला बाज़ार में गए नहीं बिका, दूसरे बार गए नहीं बिका, तीसरे बार गए, इस तरीके से आप बाज़ार में जाते रहिए, समझ में आ गया। अगर आप जैसे कहीं भी बाज़ार लगता है तो 2 दिन 3 दिन के अंतर पर एक बार सब्जी का मार्केट लगता है, और अगर शहर वहर में है तो वहाँ पर जो सब्जी बिकता है वो तो हर दिन बिकता है। अगर गांव क्षेत्र में है तो वहाँ ऐसा होता है कि आज यहाँ पर बाज़ार लगा फिर वहाँ पर बाज़ार लगा, इसी तरीके से मान के चलिए 10-5 किलोमीटर के अंदर में हफ्ते में 2-3 बार तो बाज़ार लग ही जाता है। तो अगर आप इस तरीके से करते हैं तो यह मान के चलिए कि आपको बिना पूंजी ज़्यादा लगाए, समझ में आ गया। अगर आप 100 कस्टमर आपका अगर 100 कस्टमर शुरुआत में अगर परमानेंट हो गए, तो देखिए हर घर में डिटर्जेंट पाउडर का यूज होता है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, छोटा घर हो बड़ा घर हो, उसे मतलब नहीं, हर घर में डिटर्जेंट पाउडर यूज होता है। अगर परमानेंट आपको 100 कस्टमर मिल गए कि आपसे ही हुए खरीदेंगे डिटर्जेंट पाउडर, तब आपका समझ लीजिए एक तरह का बिजनेस आराम से अपना धीरे धीरे चलता रहेगा, और इसमें आप बढ़िया पैसा कमाते रहेंगे। इसमें आपको कोई कंपटीशन देने वाला नहीं है, कोई झंझट नहीं है, कोई उधारी नहीं है, सीधा सीधा नगद आपका सेल होता रहेगा। उसके बाद आप चाहें तो घर घर भी जाकर आप सेल कर सकते हैं, समझ में आ गया। लेकिन मैं तो यही कहूँगा जो ये बाज़ार वाला सिस्टम है यह सबसे बढ़िया है, क्योंकि सब्जी लेने आना ही है, जब सब्जी लेंगे आए लेने आएंगे लोग तो आपका डिटर्जेंट पाउडर भी खरीदेंगे। तो आप सोचिए अगर आपको इस तरीके से करना है तो आप 5-10 हज़ार में स्टार्ट कर सकते हैं डिटर्जेंट पाउडर का बिजनेस। अब जैसे देखिए 2-4 केजी भी आपको ऐसी डिसलरी मिल जाएगा, नहीं तो 50 केजी का गैलन होता है, तो आप उतना मत लाइए ना, आप उतना लाइए, 5 केजी ऐसी डिसलरी ले लीजिए, 10 केजी आप सोडा ऐसे ले लीजिए, इस तरीके से लाइए। अब इसमें देखिए आपका ऐसी डिसलरी ये थोड़ा सा महंगा है, उसके बाद आपका डोलोमाइट हो गया, साल्ट हो गया, या तो आपको 5-6 रुपये केजी मिल जाएगा, समझ में आ गया। सोडा हो गया तो आपको 30-40 रुपये केजी मिल जाएगा। अब ऐसी डिसलरी ही महंगा है, कहीं पर 110 बिकेगा, कहीं 120 बिकेगा, कहीं 150 बिकेगा, आप जहाँ पर वह है छोटा क्वांटिटी में दुकानदार आपको कितना रेट पे दे रहा है आप इसी तरीके से पता करिए। तो आप इस तरीके से अगर बिजनेस करते हैं तो आपको कोई कंपटीशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई उधारी नहीं, कोई बवाल नहीं, कुछ नहीं, आराम से अपना पैसा कमाते रहेंगे। उसके बाद आपके कस्टमर धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे, ज़्यादा कस्टमर हो जाएंगे तो आपका समझ लीजिए बहुत ही आराम से पैसा आप कमा सकते हैं। तो इस तरीके से बिजनेस कर सकते हैं, और कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि यह इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, यह वीडियो आपको कैसा लगा, इस तरीके से बिजनेस करने पर और क्या हो सकता है, इस पर मतलब इसमें ज़्यादा हम ग्रो कर सकते हैं कि नहीं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरा तो अनुभव यह है कि आप इस पे दिन ग्रो करेंगे, आपका बिजनेस दिन पे दिन बढ़ता रहेगा, समझ में आ गया। तो इसी तरीके का नॉलेजबल वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलेगा, बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए। इस समय तो व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, पता नहीं क्यों 100-150 व्यूज आ रहे हैं, नहीं तो आज तक तो 1000-2000 व्यूज आते ही थे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अपना कर्म करना चाहिए, जैसे मैं अपना कर्म कर रहा हूँ वैसे आप अपना कर्म करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।